24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई थी। उसी हत्या में उमेश पाल को बचाते हुए दो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान शहीद हुए थे, उसमें से एक था रायबरेली का राघवेंद्र सिंह, जिसका पूरा परिवार हमारे साथ है। हमारे साथ बात करने के लिए आज चूंकि सरकार की तरफ से इनकाउंटर हुआ है अतीक अहमद के बेटे समेत एक की और हत्या की इनकाउंटर किया गया है, तो हमारे साथ बात करने के लिए राघवेंद्र की माँ है, उनसे बात करते हैं। माता जी कैसा लग रहा है अभी? आज हमको बहुत बहुत शांति मिली और खुशी भी मिली और मृतक राघवेंद्र सिंह के आत्मा को भी शांति मिली। और हम योगी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि तीन पीढ़ी हो गए हमारे जो इसी में पुलिस थे, हमारे ससुर भी थे, हमारे पति भी थे और हमारे बच्चा जो आज हमारा राघवेंद्र सिंह उमेश पाल के हत्याकांड में जो गनर थे उनकी हत्या हुई थी, उनकी माँ बोल रहे हैं आज हमारी तीन पीढ़ी इसी पुलिस में खो गई। हम योगी सरकार से, योगी बाबा से हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे को इस डिपार्टमेंट से, वो हमारे बच्चे ने सारी वो कोचिंग वो किया है, पढ़ाई कर ली है, किसी और पुलिस विभाग में नहीं और किसी विभाग में योगी बाबा हमारे बच्चे को नौकरी दे, ताकि हमारे बच्चे को अच्छी सुरक्षा और अच्छे से इन तीन बेटियों को, तीन बच्चों को हम पाल सकें। दो बेटियां हैं, एक बेटा जो एक था खो गया और एक है, उसी के ऊपर इन दोनों बेटियों की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकें। और हम माँ भी अपने उस बच्चे को, इकलौते बच्चे को अच्छे से हम अपने जीवन में अपने बच्चे को देखते रहें और सुरक्षा में रहे हमारा बच्चा, यही हमारा निवेदन योगी सरकार, योगी बाबा से है। और हम परिवार को, जो दुखी परिवार को हम योगी सरकार से मिलना चाहते हैं कि अपना हम अपने दुखद दिल से जो कोई बात हमारे अंदर से निकलना चाहे अपने बाबा से कह सकें, धन्यवाद करते हैं। ये थी राघवेंद्र की माँ, जिन्होंने खुशी जाहिर की कि वो बदला जल्दी ले लिया गया, डेढ़ महीने के अंदर। प्रिया हैं जिन्होंने उस वक्त हमसे बात की थी जब राघवेंद्र की हत्या की गई थी। प्रिया क्या लग रहा है अब? आपने जो हमसे बोला था कि असली बदला तब होगा जब वो भी वैसे ही पाए जाएंगे। बिल्कुल, अभी जो मारा गया है उसकी गोली तीन गोली मेरे भाई को लगी थी, वो तो मर गया। अभी जो मेन गुड्डू भाई था वो ही सब घर की देख रेख कर रहा था। अब उसके ना रहने से तो बहुत सारी जो बाहर की भी समस्याएं, आर्थिक मदद भी, बहुत सारी चीज़ों पे हम लोगों को दिक्कत देखनी पड़ी। अब मेरे लिए एक और भाई है जिसको अगर योगी बाबा चाहें तो वो सही जगह पे आ जाएगा, फिर हम लोग की आर्थिक मदद भी हो पाएगी और सहयोग भी हो पाएगा। अम्मा बीमार रहती हैं क्या? हाँ, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, मम्मी के पैर में दिक्कत है और इनके लिए भी, इनको बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, ऐसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम है जिनके लिए देख रेख के लिए बाहर की भी देख रेख, घर में कोई भी आदमी है नहीं बाहर का देखने के लिए, तो भाई का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी बहन की पढ़ाई को लेकर बात हो रही थी कि उसकी पढ़ाई छूट गई है, ऐसे क्या है उस बात की सच्चाई क्या है? अब घर में भी भाई की शादी होने वाली थी, घर में ये हो रहा था कि वो पढ़ाई कर रही थी तो घर में भी कोई आ जाता, मम्मी के साथ देख रेख करता। अभी मम्मी को भाई के शहीद होने के बाद से काफ़ी सारी टेंशन के कारण भी उनका शरीर अस्वस्थ है और इसकी वजह से भी, और बहन को भी घर पे देख रेख करने के लिए, मेरी शादी हो चुकी, बाहर रहते, भाई बाहर का भी काम देख रेख करता है, घर का नहीं कर सकता, इसलिए बहन की पढ़ाई छोड़ के, और कुछ आर्थिक भी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से भी बहन को घर पर रहना पड़ रहा। राघवेंद्र के भाई हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि आखिर आज वो कैसा फील कर रहे हैं? ये हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि मेरे भाइयों को, जितने लोगों ने इस कांड में शामिल थे, जो जो भी अतीक अहमद का लड़का असद और उनके जो भी गुर्गे थे, उनको ऐसी सज़ा मिली, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं योगी सरकार का। जो भी महाराज जी ने किया बहुत जल्दी से जल्दी फैसला कर दिया और असद को एनकाउंटर में मार गिराया गया और उनके साथी जो गुड्डू अभी जो गुलाम थे, गुलाम को भी मार गिराया गया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सरकार का। आपको लगता है कि बहुत जल्दी न्याय हुआ और न्याय की यही, न्याय का सही तरीका यही? जी, उनको यही लगता है कि बहुत जल्दी न्याय हुआ और तरीका तो ऐसा होना ही चाहिए, इन लोगों के लिए ऐसा ही तरीका होना चाहिए।
जिस तरह ये लोग ये नहीं सोचते कि हाँ कि जो गनर लगे हैं वो भी एक किसी की सुरक्षा में लगे हैं और सुरक्षा में लगे हैं, और आदमी जिससे दुश्मनी होनी चाहिए उसे ये सब करके थोड़ी दुश्मनी निभाई जाती है।